श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में चढ़ने वाले फूलों के निर्माल्य से अब घर आंगन भी महकेगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सहयोग से मंदिरों में चढ़ने वाले फूलों से अगरबत्ती और खाद बनाने की योजना शुरू हो रही है। नई योजना के अनुसार बाबा के निर्माल्य से बैम्बू रहित अगरबत्ती, धूप, खाद, साबुन, हवन कैप का निर्माण कार्य अगले महीने से शुरू हो जाएगा। विशेष बात यह है कि बाबा विश्वनाथ के ऊपर चढ़ने वाले सैकड़ों टन फूलों का निर्माल्य अब प्रदूषण नहीं बल्कि घर आंगन में सुगंध फैलाएगा। साथ ही 200 से अधिक महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाएगा। काशी के मंदिरों में अर्पित होने वाले फूल अब ना तो कचरे में फेंके जाएंगे और ना ही नदी में बहाए जाएंगे। युवा ग्राम्य विकास समिति द्वारा संचालित रिसर्च और डेवलपमेंट संस्था साई इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने CDB के सहयोग से काशी के मंदिरों में अर्पित होने वाले फूलों से अगरबत्ती, धूप, हर्बल गुलाल, तुलसी पाउडर और खाद बनाने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 6 अक्टूबर को गांधी जयंती के स्वच्छता पखवाड़ा में होगी। पहले चरण में श्री काशी विश्वनाथ धाम में चढ़ाए फूलों को रिसाइकल करके अगरबत्ती का निर्माण होगा। मंदिर से प्रतिदिन 50 टन फूल माला और निर्माल्य लेने की तैयारी है। इसके बाद शहर के दूसरे मंदिरों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। यहाँ बनने वाले सभी उत्पाद इको फ्रेंडली होंगे। इसके अतिरिक्त इन फूलों से प्राकृतिक खाद भी तैयार की जाएगी जो कि किसानों के लिए उपयोगी होगी। स्पष्ट है कि सनातन संस्कृति में कुछ भी अपशिष्ट नहीं होता बल्कि वह मानव जीवन के लिए कल्याणकारी होता है, बस उसे सही प्रकार से उपयोग करने की आवश्यकता है।